फ्लोट हो जाता है ना, वो बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, बड़ा होता है बच्चों के लिए। नहीं, ये वही है सोहेल भाई जिस पर गुसल देते हैं, देते हैं। है? जी जी, जिस पर गुसल देते हैं, ये वही है यार। इस तरह की कोई दूसरी इस्तेमाल की चीज़ भी तो हो सकती है, नमाज की भी हो सकती है कलाम भाई। नमाज के लिए गुसल के दोनों के लिए छोटी है, लेकिन अंदर तस्बीह का टूटा हुआ मिलना और कुछ चीज़ें और मजबूत होना, और उन तस्बीह का तकिए के नीचे होना, हाँ। तकिए के नीचे क्या देख रहे थे अचानक से चेंज हो गया, आपका निशान हो गया। हम सिर्फ आपसे वही बात करें, आपसे वही बात करें, ज्यादा जमीन हिलती है, दीवार से जलजला नहीं आता, ये वैसा होता है कुछ जो भाई वहाँ होता है, जो मखलूक बहुत अरसे से हो जी, और अभी इनकी आवाज़ नहीं आई थी, वहाँ पर पूरी इनकी आवाज़ें सुनी थी। कोई भी नहीं है, इधर इधर से सोचो, इधर से यार कोई भी नहीं है, इधर इधर से सोचो, इधर से इसको मैंने लात भी मारी थी। हाँ ये लो के दरबार, तो ये पूरा कमरा दिखा, ये थी उंगलियों के निशान पहले, ये वाले नहीं, ये थे कमरे, ये नहीं थे, वो थे पुराने, ये थे वो थे, ये थे नहीं, ये कभी ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, नहीं मैंने ये देखे थे, ये देखे थे, ये मैंने देखे थे, ये भी देखे थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे।
खाली कमरा है, दरवाजा लॉक है इसका। के सामने लात मारी थी मेरे लोग था ये। मैंने खुद इसको जोर लगाया था। अंदर से लॉक करती है। खुल रहा है, खुलता जा रहा है। खुद ही मैंने हाथ रखा है सर, खुला यार मैंने लात मार। ये पाँव के निशान है आपका लात मारने का, मुझे याद है आपने सर लात मारी, मैंने जोर लगाया है। माय गॉड, अब इसके पीछे कोई था ही, सुर पे कैसे खुल रहा था ये? सुर पे खुल रहा है, खुलता जा रहा है। खुद ही मैंने हाथ रखा है सर, खुला खुल रहा था, नहीं खुल रहा था खुद ही। ये क्या बुला रहे हैं क्या अंदर? जोर लगाया था आपने, लात मारी थी, हैंडल है नहीं। मैं ऐसे इधर आया हूँ कि अंदर कोई नहीं है, और खुलता ही नहीं। हाँ ये हुआ है जैसे कोई खोल रहा हो पीछे से। बिस्मिल्लाह बाद में भी इसको आबाद करने की कोशिश की गई है। ये भी चेंज है। हाँ सही है, ये ब्रैकेट चेंज है, ये पट्टी नहीं लगी है। हाँ बाद में कोशिश की है इधर आने की, लेकिन आप लोग ये चाले बता रहे हैं कि इस लाइट से वहाँ लगे हैं। कुछ लोग ले आए हैं और भाग गए। हर बटन ऑन है, हर बटन ऑन है। इधर आइएगा ये पुराने दादा, ये बहुत पुराने हैं, हर बटन ऑन है, हर बटन है ना, उन सब कुछ कुछ ऑन है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे ही ऑन में ही। लेकिन यार उस दौर की लकड़ी माशाल्लाह, उस दौर के फर्श दरवाजे खिड़कियाँ सब सलामत हैं। या खुशी में आप करते हैं, रोशन कर देते हैं घर को और रोशन करते हैं, शादियों में किसी खुशी के मौके पर, या जब आपको डर लग रहा हो आपने सब जला दिया हो, एक बटन ऑन है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई बटन ऑफ नहीं, ऑफ हर बटन ऑन है। बिल्कुल, या तो आखिरी मौके में यहाँ शादी थी, कोई खुशी थी, या कोई बहुत ही खौफ में यहाँ से गया, जिसने पूरा जगह कम से कम पंखा एसी कोई एक कमरे की लाइट तो आप बंद रखते हैं ना। छोड़े सर सर भाई भागे हो। हर कमरे के किचन वॉशरूम बेडरूम्स डाइनिंग लाउंज हर जगह के। इधर तुमने कहा था कुछ आइसक्रीम भी आपने, कुछ उसके बैग भी है, तकिया भी है, मतलब इसमें कम से कम लाइटों के लिए पंखों भी तो होंगे ना। सारे पंखे एक ही बारी में चलेंगे, सारी लाइट एक ही बारी में। क्या हुआ आखिर? बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं?
तो स्मेल है और इधर ज्यादा है। क्यों है ना, तो सामान वामान सब छोड़ छाड़ दिया होगा। ये कुछ और है क्या सजा दी? ओहो सुन भाई, भाईजान कोई लकड़ी नहीं है, घास नहीं है दादा, और ये तो देखिए सजा भाई, ये कहीं से आने नहीं है जी, कोई सिरा नहीं है इसका जी, और सुन भाई बहुत बड़ी निशानी है वो देखिए, दीमक खड़ी हुई है जमीन पे, फर्श पे टायरों पे दीमक लगी हुई, पहली बार देख रहे हैं हम भाईजान, फर्स्ट टाइम। कहीं से आती हुई तो नजर आए साहब भाई, चलो मान लेते हैं यार दीमक लगती है, जमीन पे लगती है, चलिए ये भी देख लिया, लेकिन आ कहां से रही? ये इसका खड़ा हुआ देख रहे हैं आप, ये भी मैं पता रेयर ही देख रहा हूँ, यहाँ पे वहां पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसी है, और आप की कह रहे हैं कि इधर ही गोल दायरे में बनाई गई है ये। अच्छा मुझे बताइए कि ये लकड़ी पे नहीं लगती है, या एक कच्ची जमीन पे नहीं लगती, घास वास पे नहीं लगती, बिल्डिंगों में लग जाती है, इस पे लगती है टाइलों, हाँ मार्बल, लेकिन ये तो टाइलों पे तो हैरत कर रहा हूँ मैं, मसीदी में कहीं से आ तो रही हो, या उस दरवाजे से आ रही हो, खिड़की से आ रही हो, बाहर से आ रही हो, ये सिर्फ इतना हिस्सा है। क्या क्या देखेंगे यार, क्या क्या देखेंगे भाई साहब, ये पहले की तरह उलझते जा रहा घर, ये तो इस कमरे में सो रहा है, 9 बटन है, 9 9 9 ऑन है, 9 2 4 6 3 4 2 6 वो पीछे आपके 3 9 4 सॉरी 10 हर कमरे का हर बटन ऑन है, छोड़ छाड़ के भागे होंगे ना भाई, नाइने तक करेंगे यहाँ, उसके बाद आए नहीं होंगे क्या, छोड़ने से पहले सब ऑन था या किया है इन्होंने, या कोई ऐसी खुशी थी कि पूरा घर रोशन था, या ऐसा खौफ था कि इस खौफ में उन्होंने सब कुछ जला दिया, इसका खौफ खौफ इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये वो तस्वीर किसी आमिर साहब की तो नहीं है, हो सकता है किसी को बिठाया हो और कोशिश की हो, कोई अनाड़ी आम सा आदमी जिसने ट्राई करने की कोशिश की हो और उसके साथ, अब ये तो चीज़ें समझ आती हैं, कई जगह पे देख रही हैं लोग भाग गए, अभी जब वो बात जो आपकी तरफ वाली है तो मैं को पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है यार, मैं इसलिए बार बार वो बात कर नहीं रहा क्योंकि बात पर बंदा वो करे जो फिर पूरी भी करे भाई, यहाँ ये है कि जो उस दरख्त को मारता है पत्थर, या उसको जो तकलीफ पहुँचाता है वो दरख्त फिर बदले में वही तकलीफ पहुँचाता है, कोई काटने की कोशिश करता है वो तो हम कई केसेस आए हमारे सामने, फैमिलियों तक नहीं पहुंचता है, जिनको वार्निंग दे दी, जिनको एक से ज्यादा बार समझा दिया बता दिया, उसके बावजूद जो जिद में आते ये करते हैं ना, मैं नहीं मानता कुछ भी नहीं है, उनको भुगतते हुए देखा, रिकॉर्ड किया, कोई कोना कोई ऐसी जगह खाली में जो हरियाली से भरी हुई ना, कोई गेट से लेके पूरी जगह तक आपने खुद देखा ना, और ये एक पत्ता नहीं यार। अब मैं इसलिए ये बात दोबारा आप लोगों से नहीं कर रहा था कि ख्याल यही आता है कि अगर हम यहाँ आए तो हमें भी चेक करना चाहिए पत्थर मार के या काट के इसको। जगह देखिए जहाँ जमीन पे से वो दीमक निकल रही थी, लेकिन वो एक सिरा था, ठीक है यहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है, लेकिन ये कहीं सिरा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतने से बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई जैसे आप बताते हो कोई पंडाल बनाया जो अंदर कुछ था, दीमक का पंडाल बताओ यार, खैर है सुन भाई, वजूद ऐसा बोझल हो रहा है ना, जैसे किसी ने पता नहीं कितना वजन रख दिया जिसम के ऊपर, और आया भी कुछ नमा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत काम कर लिया, है
कमाल शायद सर्दी की वजह से नहीं लग रहा सर, तबीयत भारी हो रही है लेकिन अंदर सर्दी नहीं है, बाहर तो खैर है बहुत, अंदर नहीं है लेकिन आपका चेहरा भी उतर गया, इसका चेहरा भी बिल्कुल उतर गया। हमने छतों पर काम किया है और जहाँ माइनस चल रहा था, अभी लास्ट शूट तो बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी वो जंगल में, जो स्टेशन में पंपिंग स्टेशन बहुत यख था पानी की वजह से भी, और फालतू बातें कुछ लेके भी नहीं देते खाने, बस यार चले यार कुछ लेके भी नहीं देते खाने, मुझे समझ नहीं आई बाहर से आवाज आई है अंदर से आई है, अंदर से आई है इस तरफ से आई है उसी रूम से आई है। दूर से देखे बल्कि मैं तो कहता हूँ तस्बीह का दाना भी उनसे मिला दें, क्योंकि सुना है कि तस्बीह का दाना अलग होता है, वो वहीं से टूटती है तस्बीह। कंफर्म तस्वीर है सर, तस्वीर है देख लूं सिर्फ है जरूर। हाँ थैली ऐसे थोड़ी रखी जाती है, थैली संभाल के कुछ है जरूर, अंदर ताबीज नुमा कोई चीज है हो सकता है, इस बेड के नीचे क्या हो पता नहीं, तस्बीह का दाना ये है, इसको तो उठा के ऊपर रख दें हम लोग, हैं उठा लें तस्बीह को, यहाँ एक दाना वो रहा, अल्लाह भाई जान ये 100 दानों वाली तो नहीं है सुर भाई, हो सकता है अभी 33 से तो ऊपर ऊपर से यार नजर नहीं आए ना हमें, नहीं अब नजर आ रही है, हाय हाय सुर भाई बिस्मिल्लाह उठाएं खिड़कियां दरवाजे सब हिल रहे थे, चौथी पांचवीं बार ऐसा, इस बार तो रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्ड हो गया, पहले मैं कह नहीं रहा था कि यार वाइब्रेट हो रही थी, उस वक्त मैंने शीशा देखते हुए देखा था कांपते हुए, क्या हुआ है वो बहुत चुका, उसका पता नहीं है ना हमें डिटेल पता है उस चीज की, पहले रिकॉर्ड करके गए हैं भाई, एक एक गाना गिरा ही नहीं था, आप यकीन करें मुझे पहले ही फील हो रहा था कि ये जगह वाइब्रेट होती है पूरी, हाँ। और हमें आवाज आई थी, हम वहां पर थे जैसे खिड़कियां दरवाजे हिल रहे हो, हमने अपनी आंखों के सामने अपने कानों से इनको हिलते हुए देखा, बिल्कुल ऐसा कब होता है सुबह में जब या तो आंधी आए, मुझे याद है कि बीच में तेज हवा चली थी ना कराची में, बहुत तेज हवा,
तब ऐसा होता था, तो वो कौन सी हवा है जो इसमें से निकलती है या इसमें से आती है जो ये हिलती है? या कौन सी हवा? कई घंटों से हम यहाँ पर हैं। इससे पहले साथ में जब कमरा खोला तब आवाज आई। अभी तस्वीर वो हाथ खुद तस्वीर का नाम उठाया है। समर टच किया उसको, फिर कितने उठाया, फिर इससे मेरी उंगलियां उस पर लगी है सिर्फ, और ये हुआ। ओह माय गॉड, निकले अभी ना। ओ मेरे खुदा, सुन भाई, पहले हम यहाँ पर कदम बढ़ा रहे थे, कुछ हो रहा था अब से। वाह, वही बात भी ना। इतना कुछ हमने सुन लिया, महसूस कर लिया, देख लिया, जानवरों को, चमगादड़ों को, सबको, लेकिन कोई हमारे पास एक्चुअल प्रूफ या कुछ भी नहीं। हमारे पास हमने आवाज तो सुनी है, लेकिन वो चुड़ैल को देखा नहीं है। नहीं, हमने बच्चों की आवाजें सुनी है, आते ही सुनी है, देखा नहीं है किसी को। टटेरी ने मुस्तकिल वार्निंग दे दी। हमारे आसपास ऐसा लग रहा है कि हम फुल वॉचिंग पे हैं, जैसे कोई ना वॉच कर रहा है हमें। करें कुछ इंद्र मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन आपने शाम से मेरा जहन बना दिया है। बोल ही रहे हैं, शाम से आपने मेरा जहन बना दिया। कह रहे हैं भाई होता ही यही है। ओए बोए सुन, क्या कर रहा है? आराम से यार, ठंड दे रहे हैं, सर्दी हो गई, सुबह ज्यादा हो गई है। अच्छा खुली जगह है ना, अगर ज्यादा लगता है। हरियाली भी है ना, दरख्त है चारों तरफ। ये क्या ऊपर रास्ता ही नहीं है जाने का? नहीं, बस है, बस जानवर भौंक रहे। लाइट हटाइएगा, उधर कीजिएगा लाइट। ये जो सुरभि आप ऐसे लग रहा, गाड़ी लाइट में खड़ी हुई है। हाँ, ये लाइट है जी, ये फुल मून की लाइट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साफ नजर आ रही है ना। साफ है, ये है जी मून लाइट। और कहते हैं कि सर्दियों की रातों में, लंबी रातों में और फुल मून में और लेट आवर्स में, सुन रहे हैं भाई जान। ये दरख्त है दादा, आप देख रहे हैं इसकी हैबत, देखें आप यार, अल्लाह इस पूरी जगह में वो अकेला खड़ा हुआ। ओए ओए दादा, यकीन करें फिल्मों और ड्रामों में देखो ऐसे तरह इतनी हरियाली, धुन देखी कैसी होती है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सुन भाई, एक बात बताएं, अगर ये सुनते हैं आप, सुनते हैं ये तो आपको शाम से बता रहा हूँ। हम आते हैं, कोई ना तरह से कोई चीज़ दिखती है। ये जहाँ लेके जा रहा वहाँ नहीं जा रहा मैं। दादा ये क्या हुआ है? वो मुसलसल वो देखे, वो आंखें चमक रही हैं वहाँ पे, और कई आंखें हैं, वो देखें ये देखें। और सुन भाई, ये कमरा जाले नजर आ रहे हैं, ये जला काले, ये देख मेरी लाइट में देख, कमरा ये नजर आ रहे हैं सारे जाले, बहुत सारे। सुन भाई, ये पूरा आग जलाई हुई है, पूरा पूरा।
ज्यादा दिखाया उससे। ये क्या है, खून है क्या है? पता नहीं सारा घर जो कुछ भी है जम चुका है, खत्म हो चुका है। अल्लाह मानना उसने कभी खूबसूरत खुबास है ना, उन सब कुछ कुछ और है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे ही नहीं ऑन में ही। लेकिन यार उस दौर की लकड़ी माशाल्लाह, उस दौर के फर्श दरवाजे खिड़कियाँ सब सलामत हैं। एक चीज नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। ये बड़ी बड़ी कौन नहीं रिकॉर्ड करना, ये की वजह से पत्ते वत्ते टूट के या कुछ सामान गिरा हो नीचे, फल वल कोई, तो आप लोगों का पत्थर आ रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, पत्थर थे वो, बता रहे हैं ना, पत्थर थे वो गिर रहा था, वो हम खुद देख रहे हैं, हमारे दो बंदों के पैरों पे भी लगा। कुछ लेके भी नहीं देते खाने, बस यार चले यार, कुछ लेके भी नहीं देते खाने, बस यार चले यार। सुनते हैं ये तो आपको शाम से बता रहा हूँ, हम आते हैं कोई ना दरख्त से कोई चीज गिरती है, ये बस ये जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ नहीं जाना मैं। दादा ये क्या हुआ है? वो मुसलसल वो देखें, वो आंखें चमक रही हैं वहाँ पे, और कई आंखें हैं, वो देखें ये देखें। और सुहेल भाई ये कमरा में जाले नजर आ रहे हैं, ये काले, ये देख मेरी लाइट में, कमरा ये नजर आ रहे हैं सारे जाले, बहुत सारे। सुहेल भाई ये पूरा आग जलाई हुई है, दरख्त जलाया है पूरा। बस बस यार, ओ माय गॉड, लगा गए यार, मेरे माथे पे लगा है, उसके पैर पे जाले, ये जाले था, जाले कहाँ लेके जा रहा है? काला उधर गया, एक काला उधर गया, इधर है सुखा में, इधर ये काला ही बैठा, एक ये बैठा हुआ, ठीक है, एक वो बैठा, ये वो देखे आंखें आ गई, काला दो आंखें वो नजर आ रही जी, वो नीचे से वो देख चार पांच, ओ बिल्कुल झाड़ो, तीन चार। सुन भाई ये सब सफेद, इन इन इनके ऊपर सफेद और काले हैं, वो उस कोने से भी आ रहा है सर भाई, ना 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 ना, वो दो भाई जान सफेद और काले हैं, ये हम कहां आ गए हैं? सुन भाई अस्तगफरुल्लाह, ये लाया है मैं, ये खुद कहां गया? वो एक और सफेद आ गया, वो देख सफेद आ गया इससे, ये सिर्फ आंखें आती हैं, बाद में आते हैं ये। सुन भाई बैठे हुए कैसे हैं? लेफ्ट राइट से सब जगह से निकल रहे हैं सजा भाई, निकले बस 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 बस, देख कमन देख, बस कमन कमन ख्याल से पीछे था। ओह माय गॉड, अच्छा एक बात बताएं, सुन भाई हम यहाँ पर हैं इधर, और हमारे साथ इधर सात कुत्ते हैं, और एक की भी आवाज नहीं आई, एक की भी आवाज नहीं आई। मैं आपको शुरू में ही कह रहा हूँ सर, बड़ी हैबत इसकी, अलग से बड़ा रोब है इसका यार। वो लाल जोड़े में, ब्लैक जोड़े में किधर है? वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने, अरे किधर किधर, बिल्कुल ये होल जा रहा है सामने सामने, गली जा रही है, दरख्त नजर आ रहा है बिल्कुल आड़ में आगे। नहीं कौन कौन, एक झलक दिया, एक झलक, ब्लैक था या डार्क रेड कलर था उसका, क्या हो रहा है? ये शायद इसी की वजह से है, आई होंगी तो ये आ गई सारी फिटर। याद आया कुछ? जी सर, जिंदगी कभी ऐसे नहीं करती है, इसने ऐसा सिर्फ कुमारी पे किया था, सिर्फ कुमारी पे किया था। सुहेल भाई याद है जब हमने उसका पाजेब निकाल ली थी, घुंघरू निकाल लिए थे, कितने करीब आ गए थे यार। सुहेल भाई जी, इस कदर मौजूदगी महसूस हो रही है इनकी हर जगह हर तरफ, ऐसा चल रहा है जैसे कुछ हमारा जो छांगा मांगा का जंगल है ना, कुछ वैसा माहौल है इस जगह का। अगर किसी नॉर्मल इंसान को अगर इस जंगल अब भी छोड़ दिया जाए, हार्ट फेल हो जाएगा रात तक यार, वो टटेरियों का शोर, वो
वो गीदड़ों का शोर यार क्या लगता है दादा कौन पत्थर मारता होगा यहाँ से वापस? सर भी मैं तो आपसे गाड़ी के लिए यही सवाल कर रहा था कि ये हर चीज अलम हो रही है, ये चीज सुन रहे हैं। अच्छा ये ख्याल और है कहीं ये फ्लाइंग फॉक्स जो है हाँ। चिमगादड़े बड़ी वाली ये तो कहीं फलों को तोड़ के नहीं गिराती नीचे यार? अच्छा हरे भरे दरख्त पे होगी ना, वीरान दरख्त पे क्यों होगी यार? ये देखे ना वीरान है यार, मैं और कितना करीब से दिखाऊं आपको, और यहाँ से तो कोई नजर नहीं आ रही, तो मतलब यहाँ से कौन फेंक रहा है? ठीक है अभी भी गिरने की आवाजें आ रही है, मुसलसल आ रही है। पत्थर मारेंगे पलट कर? यार मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा इस बात पर, शाम से मेरा बड़ा इख्तलाफ है इस बात से। हालांकि मैं ये मैंने खुद कहा था कि ये नहीं करना हमने, लेकिन क्या ट्राई करें। कामरान भाई जी भाई चेक करें सुहेल भाई जी भाई, ये अगर हम ये पत्थर इस दरख्त को या आपको मारते हैं तो बदले में क्या आप भी हमें पत्थर मारेंगे सिर्फ इस बात को देखने कि ये पत्थर कहां से और कैसे आता है? और सुन लगी तो नहीं कहां लगी तो लग सरजक भाई सुन ले पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, ये गोले 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 वो देख वो मैंने देखा हां ओ माय ये टटेरी गोले 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 वो देख वो मैंने देखा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से आप सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। वालिद साहब का शेर याद आ रहा है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, हाँ बल्कि क्या क्या। मैं इस जगह के मुताबिक क्या बात करूँ और किस किस मौके पर किस किस वाक्य पर बात करूं, जो आप लोग ही इतने कमेंट मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग महसूस कर लेते हैं उस खौफ को उस डर को उस तकलीफ को, तो ऐसा लगता है हमें कि यार हमारा जाना आना जो है ना वो पास हो गया। हैबत को सहबत को जब मैं नूरानी से वापस आ रहा था और जब मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना मैसेजेस पढ़े थे ईमेल्स पढ़ी थी तब मुझे महसूस हुआ था कि चलो शुक्र है यार हमारा जाना ज़ाया नहीं हुआ। एक होता ना कि हम तुम यार क्यों जाते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप खतरा हो डेंजर हो क्या हो, लेकिन जब कमेंट्स मैसेजेस ईमेल्स देखता हूँ तो बड़ा कुछ समझ में आया। यहाँ भी बड़ा कुछ जी हमें चीज़ें सामने आई जो आज से पहले कभी नहीं आई। अब ना मैं मुझे सब यहाँ पर एक चीज़ चल रही है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरू से शुरुआत करते हैं शायद, क्योंकि मैं बीच में कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ। सबसे पहले ये दरख्त आपके सामने जब हमारी एंट्री हो रही थी ना यहाँ पर, सही ये देखें ये हम दाखिल हो रहे थे यहाँ पर हाँ। तभी हमें एक ना समझ में आने वाले बच्चे की आवाज आई थी कि वो कहाँ से आ सकती है, मतलब हम शुरू में ही ना, हालांकि हम गाड़ी के अंदर थे हमने नहीं सुनी थी वो आवाज। कामरान भाई जो है वो गेट खोल रहे थे और बंद कर रहे थे, सुनिएगा हाँ और बच्चा बहुत छोटा है, बहुत नामालूम बच्चा। अच्छा हम गाड़ी में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं मैं और सुरेश भाई, कैसे हो सकता है ऐसे इसके बीच में हो गए क्या? बाहर भी जब मैं गेट देखती हूँ मतलब एक जो वो डाउट था ना कि शायद कुछ ऐसे होंगे तरह वो खत्म हो गया है इसको देख के। बेचारे आए गाड़ी में बैठे हैं भाई। हाँ जी जैसे छोटा बच्चा रो रहा था जैसे मैंने दरवाजा इसे घुमाया ऐसी
सुना आपने? बंद कर लो। हाँ बंद कर। भाई कैसे हो सकता है ऐसा, इसके बीच में वो एक यार रजत की बात है, बाहर भी जंगल है गेट के अंदर भी जंगल, मतलब एक जो वो डाउट था ना कि शायद कुछ ऐसे होंगे दरख्त, वो खत्म हो गया यार इसको देख के। रजत भाई। हाँ जी। जैसे दरवाजा बंद करने के लिए गया छोटा बच्चा रो रहा था, कहाँ? बिल्कुल जैसे मैंने दरवाजा ऐसे घुमाया, हाँ तो ऐसे ही बच्चे की आवाज, छोटे बच्चे की। हाँ जैसे फूल फुला रही हूँ, ये बच्चा खुशी से। पीछे ना बाईपास रोड था, हाँ उसके अंदर भी काफी हम ट्रैवल करके अंदर आए और जंगल, कोई आबादी नहीं दूर दूर तक, और गेट के पास छोटे बच्चे के रोने की आवाज। हमें अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत नहीं हुई थी, अभी अंदर जा रहे थे। बंद कर लो। हाँ बंद कर। ये साइन मिल गया तो सुनिएगा, खड़ा हुआ था। सुने? हुई हुई। सुने? वहां पर ये दो तीन बच्चों की आवाज है। चलो एक ख्याल ये कि वो कॉर्नर था, गेट था, शायद कहीं दूर से कोई साइकिल पैदल कोई बच्चा फैमिली लेके जा रहा है, एक ख्याल है। नहीं हालांकि वो भी पॉसिबल है, रात को जंगल नहीं तो साइकिल, उनकी आवाज भी तो आएगी ना, मशीनरी भी तो आ जाएगी। ये तो हम सेंटर में थे, दरख्त था और रेस्ट हाउस था, यहाँ पर भी आवाज, यानी कि ये जो आवाज जनरेट हुई है वो इसी बाउंड्री में जनरेट हुई, ये अंदर से। और वो जो भी आप बता रहे हैं ना बच्चे की, वो भी इतने बामुश्किल बहुत बहुत करीब तक 100 मीटर के फासले से जनरेट हुई। ये चीजें नोट रखिएगा। सही। सुने? ओए होए। सुने? भाई कैसे हो सकता है ऐसा, इसके बीच में वो एक यार रजत की बात है, बाहर भी जंगल है गेट के अंदर भी जंगल, मतलब एक जो वो ऊपर कोने वाला रिकॉर्ड हुआ। मुझे ना बहुत परेशानी हो रही थी ये देखकर कि यार ये जगह जगह से टहनिया जो है ना इतनी ऊपर किसने काटी है, क्यों काटी? ताजी वो जो लकड़ी कटने के ताजी होता है ना, जैसे कि दोपहर में कटी हो, उसमें लकड़ी का जो अंदर की जो छाल दिख रही है ना। अब मुझे ना इसमें ये अपने आप से कह रहा था कि यार कोई कैसे मतलब उस जगह तोड़ सकता है, वहां तो कोई जानवर जाएगा वो टूट जाएगी। हाँ। इतनी बारीक बारीक डंडियों को सूखी भी होगी, ऊपर जाके कोई कैसे काट सकता है ना, मैं इसी बात को उलझा हुआ था, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। देखिएगा ये देख रहे कितना ऊपर नजर आ रही है ना आपको, सफेद सफेद ऐसी बहुत है, वो देखिए ठीक वो देखिएगा नोट करें तो या जानवर काटेंगे या इंसान काटेंगे, ठीक परिंदे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चलो अपना घोंसला बनाने के लिए, लेकिन वो इतनी मोटी डंडियां इस्तेमाल नहीं करते, चीने वगैरह भी बारीक बारीक लेके जाती है, इतनी लेके जाती। अब ना मैं अपने अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी, मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे ऐसा जवाब मिलेगा। वो ऊपर कोने वाला रिकॉर्ड हुआ है जी, वहाँ से हुआ है वो जी। ठीक है, वो आपकी डंडी रिकॉर्ड हुई है ये सफेद सफेद जी जी। अच्छा जी, ये जी ये क्या है? ये कुत्ता जो है ये यूरोप साइड पर ज्यादा पाया जाता है और इसका नाम है लैब्राडोर। नाम है इसका लैब्राडोर। लैब्राडोर इसका पूरा नाम मैंने अभी नोट किया हुआ है जी, हमने बहुत सर्च किया, इसका नाम है जी लैब्राडोर रिट्रीवर। और ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये साहब तो ये ठंडे इलाके का लग रहा है मुझे, बर्फानी इलाके का लैब्राडोर रिट्रीवर। हाँ। ये रहे सामने, जिनकी आंखें भी स्याह होती हैं, काली। सही ना, हमने बहुत सर्च किया ना कि भाई ये कौन सा ऐसा कुत्ता है जिसकी आंख चमक ही नहीं रही।
सच्चा आंखें लाल हो या काली हो या पीली हो, लेकिन नाइट विजन तो बटन है ना, वो तो नाइट विजन में आएंगी ना। बिल्कुल आगे तो आइए देखिए। चलो अगर नाइट विजन में नहीं भी आ रही, एक येलो आईज होती है ना ज्यादातर, येलो ब्राउन रेड व्हाइट डॉग्स, चेक कीजिएगा हमारे, हमें इसका खड़ा होना देख रहे हैं ना। हाँ, ये यूं है हमारे सामने, सही हमारा ये कैमरा भी इसके ऊपर है, दूसरा कैमरा भी इसके ऊपर है, इसकी शाइन नहीं कर रही थी आंखें। मैंने कहा इसकी आंखें क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रही, कामरान कह रहा है क्या इसकी आंखें हैं नहीं है, मतलब क्या कर जिन हो तो ये उठ गया है, इसकी आंखें चमक क्यों नहीं रही है, इसकी आंखें भी स्याह है यार। सुहेल भाई ये भौंक क्यों नहीं रहा हम पर, कोई एक्सीडेंट नहीं है यार, आंखें हैं नहीं है भाई इसकी, फुल ब्लैक है यार, फुल ब्लैक है, आगे ना जाएगा ना भाई, जा रहा है शाइन यार, आंखों को चमकना चाहिए। आप कंटिन्यू एक से दो तीन मिनट आपने इसकी रिकॉर्डिंग की है वहां पर दो दो कैमरों से, और फासला क्या है 10-15 फुट। मुझे उससे ज्यादा सज्जाद ये हैरत, मुझे हैरत में चीज डाल रही है कि अजनबी जगह पे आप लोग नए हो ऐसे खूनखार कुत्ता मौजूद है, वो बोल नहीं रहा, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मुझे ना कई हमारे देखने वालों में माशाल्लाह दुनिया है जी, माशाल्लाह तो कह रहे हैं कि जी हम खुद जो है ना वो पेट लवर भी हैं और हमारे पास अपने डॉग्स भी हैं, जिन्होंने मुझे भेजी हुई है तस्वीर कि जी ये वाला डॉग है और ये यूके में पाया जाता है, और ऐसा कभी नहीं करते वो कि कोई अनजान कोई पहली बार जिनसे मुलाकात हो उनकी जगह पे आप जा रहे हैं, वो आप पर हमला नहीं कर रहे, आप पर भौंक नहीं रहे, आप पे गुर्रा नहीं रहे। मतलब मैं खुद अपने आप से कह रहा था कि यार हम तो जिंदगी में पहली बार यहाँ पर आए हैं और आमना सामने पहली बार हुआ है, और इनकी आंखें एक बार शाइन नहीं की यार, ना ये भौंके ना इनकी आवाज आई, तो ये मतलब ये चीजें नोट करने की होती है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो एक तो इसका रंग पूरा स्याह है, सोहेल भाई एक बात कहते हैं कि यार कुत्ता और पूरा काला ना, काला हो और जिन्ना हो, ये तो है मैंने भी पढ़ा, सुना है जी हमने, और ये पढ़ा है हमने जी बाकायदा है भी कि जी सबसे ज्यादा जिन्नात जो है ना काले रंग के सांप, काले रंग के कुत्ते, गधे, जितने जानवर हैं की शक्लों में आते हैं, खासकर स्याह रंग काला रंग, और ये जट ब्लैक हमने अंधेरे में देखा था इसको। हाँ अच्छा मैं एक चीज नोट कर रहा था, जब आप इन हुए थे ना तो इर्द गिर्द कुत्ते एक जगह भौंक कर रहे थे, जानवर बोल रहे थे ना, तो कुत्ते से कुत्ते बस अपनी मौजूदगी बताते हैं, बरादरी बताते हैं ना, वो भी चीखते हैं, मोहल्ले में भी देख रहे होते हैं इसी जगह पर, लेकिन ये तो ऐसा था जैसे इसकी आवाज ही गुम है। इसको देखते देखते रिकॉर्डिंग के अंदर आप नोट कीजिएगा प्रोग्राम में, दूर दूर जानवरों की आवाजें आ रही हैं भौंकने की, जिसका उन पर भी कोई रिएक्शन नहीं, जैसे दुनिया से है ही नहीं, नॉर्मल कुत्ता जैसे है ही नहीं। और मैंने आपको उसकी नस्ल भी बता दी, लैब्राडोर रिट्रीवर, ये जी इनकी तो नस्ल है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जी कि अभी हम जिस सिलसिले में चले हैं वो क्या है कि सिलसिले में हम देखते हैं कि जिन्नात भी जो रूप धारते हैं वो बड़े नायाब और बड़े मसद हसीन तरीन चीजों में वो करते हैं। मैं आपको अगर आप पेट लवर होते या आपको इस चीज का पता होता तो आप तो चले जाते इसके पीछे पीछे। मैं आपको एक बात आज शेयर कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी की हो, एक जगह ना एक साहब किसी जिन किसी इंसान पर असर था, शदीद जिन का असर था, वो उससे नेगोशिएट कर रहे थे कि तुम छोड़ दो इसको, निकल जाओ इसके जिस्म से, तो वो पहले तो माने नहीं, फिर जब माने तो पता किन शराइत पे माने, सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे सुरखाब का पर ला के दो, हालांकि सुरखाब एक परिंदा है लेकिन नायाब है, रेयर, हर इलाके में नहीं पाया जाता। फिर अच्छा वो जी नहीं मिल सकता, ठीक है नील गाय ला के दो। हाँ वो भी इतनी नहीं है, आप गाय बैल आपको हर नस्ल की, आपका हमारी साहिवाल नस्ल, हमारी जो है ना और मशहूर नस्लें जो हैं वो मिल जाएगी, आप ब्राह्मण नस्ल और आपकी जो वहाँ की है सफ़ेद लंबे ऑस्ट्रेलियन, ना ना वो यार सिब्बी, अच्छा हाँ सही सिब्बी, चांद नस्ल है सिंध की, ये मिल जाएंगे आपको, नील गाय बड़ी रेयर है, तो इस तरह की मारखोड़ ला के दो,
मार खो के लिए परमिशन और उसको लाना और ये वो इस तरह के नहीं मुश्किल है यार, इस तरह की डिमांड्स होती हैं इनकी। वैल्यू में लाखों में होंगी, हजारों में होंगी, लेकिन नायाब होंगी, वो आपको नजर नहीं आएंगी, बड़ी रेयर होंगी। इसी तरह जब इनकी डिमांड ऐसी रेयर हो सकती है जिसका हमारा जहन नहीं जाता ऐसी बातों पर, हम नहीं कहते किसी को ये ला दो वो ला दो, हम कुर्बानी पे नील गाय करेंगे, ये कैसे चले जाते हैं ना, इनकी सोच कहाँ जाती है, आप नोट करें। तो ये लैब्राडोर रिट्रीवर हो या और कोई बाहर का मशहूर कुत्ता हो, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो वहां पाया जाता है यहाँ। अब जैसे हस्की, बर्फानी कुत्ता, नीली आंखें, बर्फानी कुत्ता, वो यहाँ के टेम्परेचर में गर्मी में नहीं एडजस्ट कर पाता, उसको कोई शौकीन रखते हैं तो चिलर एसी लगाते हैं उसके, सर ये उसमें भी आ सकते हैं, गर्मी में भी आ सकते हैं। अब आप नोट कीजिए, ये मैंने आप सर्च की ना चीज़ें नोट कीजिएगा। अच्छा जी, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर इसका, ना समझ में आने वाला, इसी को पैरानॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल ना होना जी। अच्छा जी, ऐसा एनिमल से बिहेवियर सही नहीं था जी, कैसी आती जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, बच्चों की रोने की आवाज। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, हालांकि हम पहले बच्चों की आवाजें सुन चुके थे। अच्छा, पहले तो मुझे एक चीज क्लियर करें, इन्होंने मुंह भी छुपाया हुआ, ये तो मैं तो खुद वो बेचारे भाई, मुझे तो लगा कि भाई इनकी शक्ल नहीं नहीं, अक्सर आप देखेंगे इस मौसम में ना, ठंड में, अच्छा आपको ना ये चीज कवर करने से ना मोटरसाइकिल पे बड़ी आसानी होगी चलाने में। अच्छा, क्योंकि जब आप हेलमेट नहीं है आपका तो यहाँ से सांस जाती है, जैसे आप सिर्फ मास्क लगा लें आपको बहुत आसानी होगी सफर करने में। अच्छा, और इसको हटा लें तो ठंड जो है ना वो घुसती है आपके अंदर। अच्छा, तो हमारे जितने गांव देहात के लोग हैं ना, अच्छा, ज्यादातर पैक हो जाते हैं, ऐसे लगता है डाकू हैं, लेकिन वो सर्दी की वजह से बचते हैं। नहीं, मुझे तो एक तो ये भी अंदेशा आया था, दूसरी कि वही हमें भी लाश में अजीब ही मखलूक में बंदे मिले, ना ना वो ऐसा नहीं, ये अपनी शख्सियत छुपाए हुए थे लेकिन चला बाइक रहे थे। तो ये साहब क्या कह रहे हैं, बच्चों की आवाज जो कि हम पहले सुन चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये मैंने आपको सुनाई ना, ये सुन। अब ना मैंने इनसे कंफर्म किया, कुदरती बात कह लें, इत्तफाक कह लें, इनसे बात के दौरान ही सर सारे गीदड़ भेड़िए लोमड़ियां बोलना शुरू हो गई, नोट कीजिएगा, ये सुन ना, ये भेड़िए और लोमड़ियां, बच्चों के रोने की आवाज। दरवाजा बंद कर लो। हाँ बंद कर, हुए हुए। सुने? हाँ, ये सुन रहे हो? ये तो भेड़िए और लोमड़ी है। सुन, और यहाँ पे बहुत तेज थे बच्चों के रोने की आवाज, ये आवाजें नहीं होती। अब ना कहीं कहीं ना जो नया होगा ना उसके लिए ये भी उसी बच्चे की आवाज होगी, जो नया होगा ना शख्स जिसको इतना फर्क पता नहीं होगा वो कहेगा बच्चों की आवाज है। और इनके सामने कंफर्म किया, हमने कहा नहीं भाई, इनकी नहीं, अलग से बच्चों की आवाजें होती हैं जो हमने भी रिकॉर्ड की एंट्री पर। अब बच्चा कहाँ आ गया यहाँ पर, कहाँ से आ गए बच्चे? ये तो सर्दी इस जो मौसम जिस खुले में, तो कोई तो बच्चों को वैसे भी बाहर नहीं रखेगा, और वो भी ऐसा जो बामुश्किल दो तीन महीने का हो, वो तो उसको पहले ठंड असर करेगी, जो मेरा दिमाग सोच रहा है। बिल्कुल, शाम होते ही, शाम होते ही। अब ना जो हमें वाक्यात सुना था ना हमने, कि चुड़ैल और उसके बच्चे, ठीक, मैंने चुड़ैल के मुतालिक इनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार दो बुजुर्गों ने उनको देखा है जो अब दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो बुजुर्गों ने उनको अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग यहाँ से भागे हैं, और किसी ने ये देखा है कि दरख्त से कोई चीज उतर के आई है, कोई बंदा उतर के आया बकौल देखने वाले के। अच्छा, लेकिन जो दो बुजुर्ग हैं उनके बकौल चुड़ैल है वो, इधर से नहीं गुजरा करो, इधर से नहीं जाया करो इस दरख्त के पास से। सही, ये इन्होंने हमें बताया। अब जिन्होंने देखा था वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बुजुर्ग थे, तब समझ लें एक बाबा के, तो पुरानी बात होगी जी, पहले जी जी जी। और इसके बाद से बुजुर्ग ने कहा है कि उनको मानते थे लोग, बाबा थे वो, तो इसलिए वो सब फॉलो करते हैं इस बात को। अच्छा जी, ये सर आप नोट कर, ये क्या है? ये पता क्या है? बूंद।
डेमू, अच्छा, जो पीले रंग के ऑर्नेट्स जो डसते हैं, डंक मारते हैं, आपने जगह जगह देखा है, आप हमारे साथ वहां थे अभी जजीरे पे, वहां भी आपने देखा, हमें अक्सर मिलते हैं। मैं गाँव में गया हूँ जब खाने वाल पीरोवाल वगैरह मैंने खेत में, वहाँ इतने बड़े बड़े ऐसे होते हैं, छत्ते बनाए होते हैं, लेकिन सर हमने कभी इनकी इतनी लाशें नहीं देखी। हाँ, ये एक तस्वीर वाला कमरा, उस कमरे के एन सामने ये लाइन से मरे हुए यार, मतलब हमने एक साथ कभी इतना मरे भी नहीं देखा, इनको उनकी लाशें नहीं देखी, बॉडीज हमारे पाँव के नीचे आ रहे थे, इतने थे पूरी ताजे मरे हैं। मेरा पाँव आया एक पे तोबा भाई जी, ये मैंने यहाँ से दिखाया, आप आए कहाँ से, मतलब कीड़ों में भी वो असर कर रही है चीज, पता नहीं यार, मतलब और होता ना, चलो किसी ने कोई जलाया हो, कोई स्मेल आ रही हो, कोई ये होता ना लिक्विड इस्तेमाल यूज करते हैं मच्छरों के लिए, इनके लिए कोई ऐसी महक नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, जगह ही बंद थी, आप लोगों ने खोली जगह, यहाँ से दिखाया आप आए कहाँ से, ये देख रहे हैं, हाँ ये कॉर्नर पे लग गया, उनकी तो कॉर्नर देखा है ना आपने, इसके अलावा भी तस्वीर टूट गई। अच्छा जी, इसके मुतालिक मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आए, बहुत मैसेजेस आए मुझे पर्सनल, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत आए, कई लोग ही कह रहे हैं भाई ये एक अमल का हिस्सा होता है। सही। जब आप किसी मखलूक को पकड़ते हैं, कैद करते हैं या उसको बुलाते हैं अपने पास, कुछ पढ़ के ना उसको बुलाते हैं, फिर आप उसको तोड़ देते हैं। अच्छा। जिस पर पड़ा हुआ होता है, अच्छा, आप उसको खुद तोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, वो चीज़ वो मखलूक वहीं कैद रह जाती है। ओए होए। ये मुझे दो तीन लोगों ने सेम बात बताई। सही। कि ये बकायदा अमल किया गया है, इस पर कुछ पढ़ के जानबूझ के तोड़ा गया है। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मुझे जो पता जो मेरे लिए मैं वो ये है कि वो मखलूक इतनी ताकतवर होती है कि वो पढ़ाई पे इसको तोड़ देती है, आगे जाए, मतलब जो बंदा होता है ना, हाँ, वो उस लेवल पे, मतलब नहीं होता कि वो इसको बर्दाश्त कर सके, हाँ, तो वो टूट जाती है, कमजोरी बंदे की होती है, बंदे की कमजोरी बंदे की होती है। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो साहब है, कोई आमिल साहब है, आलिम साहब है, जिन्होंने आके इसको बाकायदा तोड़ा है यहाँ पर, और कहते हैं कहीं आस पास राख भी रखी होगी, राख, अच्छा, ताकि ना वो मखलूक यही कैद हो जाए, यही उसको यहाँ से बाहर ना जाए, उस कमरे में, इस रेस्ट हाउस में, इस एरिया में, इस बाउंड्री में, जैसे संकर हवेली में किया हुआ था, राधिका को कैद किया, सही सही, यानी किताब को बंद करके, अलग अलग तरीके हैं यार, यार वो किताब क्या है, बहुत याद दिलाते थे यार, मैं आपको बताऊँ ना, दूसरी मंजिल पे मैंने पहले भी शेयर किया, तो जिसको देख कर मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा, बंद किया हुआ था वहां पर ना, और ये था जी वहां पर वजह कि आमिर साहब ने राधिका जो वहां पर मखलूक थी उसको कैद किया उस जगह ताकि वो निकले ना, एक हिसार बांधा हुआ है, लाइट चल रही थी उसके ऊपर, तो इसी तरह लोगों ने बताया कि जी ये किसी ने जानबूझ के तोड़ दिया। 12वीं एपिसोड हमारी शमशान घाट, शमशान घाट, और इस पर ना मुझे यार एक और बात, मुझे यकीन भी, मुझे महसूस भी हो कि शायद इस बात में ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको टच किया ना, तब से यार सामने खिड़कियां दरवाजे हैं, अच्छा बीच में बेड है, मेरा हाथ किसी को नजर नहीं आ रहा, मेरी ये जो टिप्स हैं फिंगर टिप्स मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये नोट कर रहे हैं आप, ये बीच में बेड है, सामने खिड़कियां और दरवाजे हैं, किसी को नहीं पता कि मेरा हाथ जो है उस तस्बीह को कब टच करेगा, मेरी ये फिंगर्स, और जहां मेरी इन पर उंगलियां लगती हैं सर, उसी वक्त, अब टाइमिंग नोट कीजिएगा, उसी वक्त जितनी बाहर की खिड़कियां दरवाजे ऐसे शेक होते हैं जैसे कोई अंदर है, ये
अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और कोई ढाल है बीच में दुआओं की, कर्म की, एक दायरे की, एक हाले की, जो उसको जो है ना हम तक नहीं पहुंचने दे रही। नोट कीजिएगा, नोट किया आपने? उसी हुआ अभी तो आपका हाथ। हाँ हाँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा, मतलब मेरा हाथ अभी बेड के ऊपर नहीं आया था, कैसे पता चला उनको यार, हालांकि नजर ही नहीं आ रहा। ये तो तस्बीह को टच करने से ही कुछ हो गया, मेरे उठाने से नहीं। मैं अगर नहीं भी उठाता, मेरा किसी का पांव भी लग जाता अगर, मतलब उसको कोई चीज टच होती ना, तो पता नहीं जो अमल किया गया था या वो जो एक तकलीफ या अजियत जो भी शायद उनको और मिल रही थी, मुझे वहां भी महसूस हुआ था यार जैसे जलजला नहीं आ जाता, लिटरली वो जमीन वाइब्रेट होती है। ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है, ये देखिएगा। सर ये ओनिशादी सारी खिड़कियां हालांकि उस दौर की बड़ी मजबूत और ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की हवा से ये हिल जाए, भारी वजनी और एक साथ सारी यार, चार पांच छह, मतलब ये पूरी रॉ यहां से लेके वहां तक लगा ऐसे शिराज भी जैसे इस तस्बीह को हाथ लगाने से कुछ चीजें जाग गई हैं और वो बाहर से अंदर आना चाह रही है। यही महसूस हो रहा है, यही महसूस हो रहा है जैसे कोई बाहर चीजें वो भी एक्टिव हो गई या शायद कोई चीज अंदर है जो दूर भागना चाह रही है। क्योंकि ऐसा भी एक वाक्य हुआ है मेरे सामने, मैंने शायद शेयर किया नहीं कि आपको, मेरे बचपन में हुआ था। एक खातून पर असर था और मैं बहुत छोटा था, हमारे हमारे वालिद के ड्राइवर की भाभी थी, वो ड्राइवर भाई की भाभी, तो जानने वाले थे हमारे, हालांकि मुसलमान नहीं थे वो, लेकिन वो अमल जानते थे। वो उनकी दो बेटियां गई वहां पर, मैंने भाभी को देखा, वो बांधा हुआ था रस्सियों से बेड पे। गार्डन ईस्ट की बात है, गार्डन वेस्ट की, शू मार्केट की बात है। सेकेंड थर्ड फ्लोर पर उनका फ्लैट था, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, और जब इन्होंने भाभी को देखा ना तो वो तड़प रही थी अजीब से ना, मैं दूर था, तो वो इन्होंने पढ़ाई शुरू की, इनके वालिद ने और दो बेटियों ने। पढ़ाई में शिराज में मुख्तलिफ जबानें थी, ऐसी जबानें जैसे पांच छह जबानों का मिक्सचर होता है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा कि उनको वो याद कैसे थी या वो कैसे पढ़ रहे थे, कोई कैसे याद कर सकते ऐसी जबान। वो मेरे सामने बंतर होते हैं, पता नहीं कैसे अब वो पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ जुबानें थी, वो जोर से पढ़ रहे थे, तो वो भाभी जो है ना उनकी, उनको कुछ होना शुरू हुआ, तड़पना शुरू हुई, और एकदम उनको बहुत जोर का झटका लगा, चीखी वो, और मेरे पीछे खिड़की थी उसका शीशा अंदर से फटा, अंदर से फटा, शीशा टूटा और कुछ चीज जैसे ना हवा का झोंका तेजी से बाहर, उन सब ने यूं देखा, मैंने भी देखा, तो खिड़की में बहुत बड़ा सुराख हुआ हुआ था जिससे कुछ अंदर से बाहर गई। फिर उन्होंने उनसे निशानी मांगी, निशानी दो, निशानी दी कि फला दरख्त की शाख जो है ना वो आप देख लो टूटी हुई होगी, और शाख भी छोटी मोटी नहीं, मोटी शाख, कटी नहीं होगी, टूटी जो इंसान ना तोड़ सके, इंसान ना तोड़ सके, ऐसी निशानी जी। ये मेरे सामने हुआ है तो मुझे वही याद आ गया सर। अच्छा जी, आवाज आ रही है, इतना शोर सर, कुछ याद आया स्टटरी की आवाज को? मैं आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ। अच्छा, लोगों ने भी इस चीज को नोट किया, कहते हमने आपकी बड़ी बड़ी एपिसोड्स देखी हैं, लेकिन इस जगह पर आकर ना हमने देखा कि आप तीनों के चेहरों पर ना एक थकावट, एक वीकनेस, मतलब बहुत ज्यादा जैसे बेजारी जो होती है ना वो होती। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था, शायद मौसम की वजह से अपने आप को तसल्ली, टीम मोराल तो करना है ना, क्या बताएं क्या हाल है,
लेकिन बाकी ना कहते ना कि जान निकल जाना जिसम से इतनी जल्दी, हालांकि हम पैक जगह में हैं अंदर अभी, लेकिन सजा जो स्टोरी है जो जगह है चुड़ैल, ऐसा लगता है जैसे कि हमारी एनर्जी को जो है ना सही जैसे कुछ सक कर रहा है कोई, जो है ना एग्जॉस्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा। ये नोट की जगह मैं बैठ गया हूँ कमर को लेकर। लोगों ने कहा कि ये चीखने की आवाज है बकरी के बच्चे की, मेमने की। अच्छा, मुझे भी उस वक्त यही लगा। कब आप कभी नोट कीजिएगा छोटे बच्चे हों बकरी के, या तो उनको आप दूर लेके जा रहे हो माँ से, या वो दूर जा रहे हो, या कभी आप दो दांत बछड़ा होता बच्चा होता ना दो दांत, कभी उसको आप किसी और जानवर के सामने ज़िबा करें। अच्छा, उसकी ऐसी चीखें निकलती है। एक दफा थोड़ी चीखेगा, वो तो मुसलसल चीखते रहते हैं। अब मुझे ये ऐसा लगा था जैसे कि सामान खिसका है बहुत तेजी से जमीन पे। अब वो आप मेरे तो मसल वो जो और ये एक बार नहीं आई थी, आप प्रोग्राम में भी आवाज सुनेंगे। जिसको सुन के हम अंदर ही नहीं गए थे दोबारा। सही, ये प्रोग्राम में भी आप नोट करेंगे कि वहां पर भी आवाज जो है ना एक से ज्यादा बार आई। जी ये नोट कीजिएगा। बीच में आप ये है सामान की सकने की आवाज जो आप कह रहे हैं, नोट कीजिएगा। ये हुई जैसे कोई भारी चीज धड़म करके आई और एक गूंज पैदा होती है ना वो हुई थी। अब आगे सुनिएगा, सुना बहुत अजीब आवाज, सुना जैसे कोई भारी लोहे का गेट खुलता है ना। वो सुनेगा, आई ये सर जब जब हमने अटेम्प्ट किया ना उस तस्वीर वाले कमरे पे जाने के, जब जब हमने अटेम्प्ट किया, मैं यहां से क्रॉस करता ना इन दीमकों को या इस दरवाजे को, कोई चीज वाइब्रेट होती, कोई चीज भारी चीज आके गिरती, जैसे कोई आ गया हो या एक हिली हो ये जगह, कोई अलर्ट हो गया हो जैसे। अब उसके हिलने से ऐसा होता है या इस जगह को क्रॉस करने से ऐसा होता है, लेकिन था कुछ इस जगह को क्रॉस करने में। एक बार दोबारा नोट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था जब मैं सुन रहा था कोई मशीन जैसे स्टार्ट होती है ना, आयरन की मशीन जैसे होती है, वो उसका स्टार्टअप है, वो हैवी साउंड, हैवी साउंड। लेकिन अभी आपने बताया ना आयरन रॉड्स हैं या आयरन गेट्स हैं, तो अब वहां माइंड पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं कि सर ये ब्लड है। मुझे ख्याल आया पान भी तो हो सकता है। सजद पान क्या इतना डार्कनेस नहीं होती, और पान के साथ जो लवाजमात होते हैं छालिया चीजें वो भी अटके उठके जीते हैं। ब्लड जो होता है ना वो कहीं सूखने के बाद इस तरह सा हो जाता है कि लाइट से डार्क लोथड़े बनते हैं ना, और उसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं होती है। तो यार ये जो चीज जमी है ना यहाँ पे, ऐसा वाकई मतलब डाउटफुल, वेरी डाउटफुल कि अल्लाह खैर करे कि हुआ क्या है यहाँ पर।
क्या हुआ यहाँ पे यार? और इतना ब्लड स्टार्विंग, इतना ब्लड ऐसा कि ये जम भी गया उस आजाद, इससे ये जगह जम गई जी। इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात कि इसे बेसन के अंदर क्यों है, इर्द गिर्द कहीं और भी तो गिरा हुआ, कतरा कोई जख्मी है कुछ है तो कहीं एक दो ड्रॉप्स नहीं और तो मिलेंगे, हर चीज क्लीन है जो मैं देख रहा था कि कोई सोर्स तो मिले ना, किसी का सर फटाओ या कुछ हो खुदा ना खासा हाथ में चोट लगे वो बेसन में बहाते हैं, लेकिन यार इतनी ये तो बंदा ही मर जाएगा अगर किसी इंसान का बह या फिर किसी भी चीज में ला के डाला होगा तो कहीं ना कहीं सोर्स होगी ना, कहीं टपका होगा कहीं ना कहीं गिरा होगा या तो पान, लेकिन आप कह रहे हैं कोई छालिया का नहीं, पान के साथ यार हमने देखा है लोग थूक देते हैं निकाल देते हैं, आप एक ऑफिस में देखे ना लोग गुटके उठके खाते हैं तो आपको निकाल लेते हैं बाद में, वो इतना डार्क नहीं जमता यार, इतना ऐसा डार्क नहीं होता, वो भी मार्बल पे जम जाए यार, या फिर रंग हो सकता है, रंग भी नहीं होता जी। ये जी आप लोगों की एक समझते हैं कि याददाश्त है, हमें तो याद नहीं रहती बात, हमें टटेरी को सुन के कुमारी याद आ गई थी। अलग से बड़ा रोग है इसका, याद आया कुछ? याद आया कुछ जी सर, लेकिन कभी ऐसे नहीं करती है, इसने ऐसा सिर्फ कुमारी पे किया था। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैंने नोट की और हमारे देखने वालों में ही एक ने मैसेज किया है ये मुझे कि कुमारी पर भी जो है ना फुल मून था। हाँ 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 फुल मून था, फुल मून 14 जैसे ये आपको मून मिला है ना। हाँ इस रात को टटेरी भी ऐसे शोर कर रही थी, ऐसी शोर कर रही थी वहां पे, इसके अलावा ऐसा शोर नहीं किया उसने कहीं और जैसे यहाँ करी थी, जैसे कुमारी पे करी थी। उस रात को भी फुल मून था, यहाँ पर भी फुल मून, पहले 13वीं 14वीं की रात के चांद किया। फुल मून में तो कहते हैं कि ये रातों इन ऐसी ताकतों के लिए निखरी हुई होती है बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा समझो इतनी रात या चांद रात, इन रातों में ना कहते हैं कि उस तमाम मजाहिब में, तमाम मजहब मतलब जो इल्म रखते हैं ये वाला, उनकी नजर में ना ये तारीखों का इंतजार होता है बकायदा अमल करने वालों को ना, तमाम मजाहिब के अंदर हमारे जितने भी हैं सब में कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक है। अब जी यहाँ पर भी ना हमें ऐसी वार्निंग या ऐसी आवाज टटेरी की इसी रात को आई थी जब हम कुमारी के पास गए थे, सिर्फ कुमारी की क्या याद है जब हमने उसको पाजिब निकाल ली थी, घुंघरू निकाल लिए थे, गरीब वहां पे थे यार। अल्लाह अकबर, सर देख रहे हैं रेंज एंगल देख रहे हैं। हाँ यहाँ मिला मुझे जवाब उस बात का कि वो दरख्त की टहनियाँ कौन तोड़ रहा है ऊपर से। नहीं नहीं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मखलूक तोड़ तोड़ के फेंक रही है ऊपर से, ओए होए, वो कितनी दफा आपने कैमरा ऊपर किया है और हम लोग देखने वाले वो मौजूद है वहां पे। हमें क्या कहा गया था, आप पत्थर मारे पत्थर आएंगे। हाँ यही अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पत्थर है नहीं यहाँ पर, दरख्त के ऊपर से पत्थर कोई क्यों मारेगा, कैसे मारेगा? लेकिन एक नहीं, आप पूछने पूरे इलाके से, यही सुन के हम गए थे, वहां पहुंचे, वहां बंदे ने भी तस्दीक की कि अब पत्थर मारे जाएंगे आपको। सही, अब वो डंडियां टूटी हुई पत्थर मारे जाएंगे, नहीं समझ आ रही थी बात मुझे। मैंने आपसे क्या कहा सर, ऐसी कुछ नहीं होता, पीछे कोई ना कोई जो है ना लॉजिक जरूर होती है, पानी पे भी आप फूंक मारते हैं, कुछ पढ़ के फूंक मारते हैं तब वो असर करता है आप, ऐसे नहीं कि यहाँ से गायबाना मामलात हैं, लेकिन इन मामलात में ना जी जी फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉ ऑफ फिजिक्स है, अब जी डंडियां आई ऊपर से और ऐसी लगी हमें भी कि निशान छोड़ गई, ऐसी लगी कि निशान छोड़ गई, और बाद में पता चला कि क्या कैसे आई वो, पत्थर भी नहीं आते इतनी स्पीड से, और अगर इतनी स्पीड से किसी को लगेंगी तो उसको यही लगेगा कि पत्थर आया शायद। लगने वालों को ये तो कैमरे ने स्लो करके रिकॉर्ड किया आपको, ये सीधी है जो इतनी टेढ़ी नजर आ रही है एक फ्रेम के अंदर, सही स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से ये देखें, ये देखें एंगल देखें,
देख रहे स्ट्रेट है सिंगल, लेकिन स्पीड इतनी है कि कोई एक फ्रेम में ये पूरी नहीं आई। हाँ ये देखिए हर जगह पे आपको वो डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, ये देखिए आ कहां से रही है ये नोट करें, बहुत मतलब वहां से आ रही है सर। हाँ। ये एंगल है सही, मतलब दर्द की भी आप मिड मिड कह रहे हैं, टॉप और मिड, नीचे से भी नहीं सही, टॉप से और मिड से। कैमरे हमारे वहीं पे, नजर कुछ नहीं आ रहा, फेंकने से पहले कुछ नहीं था वहां पर, आसपास हमने पूरा देखा चेक किया कुछ नहीं था, जैसी पत्थर की आवाज आई है हमें उसी वक्त बारिश नहीं हो जाती यार, इधर से मतलब वो दरख्त और हमारे तीनों के सराउंड में जैसे कोई सैकड़ों तीर नहीं आते मूवीज के अंदर, आसमान भरा हुआ होता है तीर ही तीर आ रहे होते हैं, ऐसे आए। बहुत खौफनाक बात है, बहुत खौफनाक वाकया हुआ है आप लोगों से। और जवाब मिला है कि भाई पत्थर नहीं आते, लकड़ियां आती हैं, कौन फेंकते हैं, शायद चुड़ैल के बच्चे फेंकते हैं। सही, जिनको देखा है चुड़ैल को देखा है, किसके लिए अमल किया है यहाँ पर तस्बीह का, शायद उनके लिए किया है। और बाहर आवाजें भी बच्चों की आ रही है, आवाजें भी बच्चों की आ रही है, और सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बच्चे के आस पास का होना यहाँ पर। बंद कर लो। हाँ बंद कर। भाई कैसे हो सकता है ऐसा, इसके बीच में वो एक यार हैरत की बात है, बाहर भी जंगल है गेट के अंदर भी जंगल, मतलब एक जो वो जानवर ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। अब नोट कीजिएगा आगे, ये आप स्लो मोशन में देख लें, एंगल देख लें, अब ना शिराज भाई ये देखें डंडिया हम में आई, हम यहां वहां देख रहे हैं सर, हम क्या देख रहे हैं कि इसी दरख्त में से ना आग के गोले निकल रहे हैं, डंडियां आई, पहले आग के गोले नजर नहीं आए, डंडियां आई और गोले नजर आए हमें आग के, नोट कीजिएगा। सर जल रहे हैं बुझ रहे हैं, तो निकले जले बुझे, फिर कहीं और जले, फिर कहीं और बुझे, कहीं और आए, इधर आए उधर आए, ये चेक कीजिएगा एक बार। इस लोग देख लिया आपने, ये देखिए और स्लो करके दिखाया आपको, दूसरा देखिए, ये देखिए ये यहां इधर फिर उधर फिर इधर, अच्छा दरख्त के बीच में से कैसे निकल रहे हैं, ये दरख्त का तना है जड़ से ऊपर जा रहा है, समझ ले आप 15 फुट पे आ गए, यहां से निकल रहे थे बीच में से ये, और हर शाख में ना आ जा रहे थे, जल रहे थे, बुझ रहे थे। लेकिन सजाद ये अगर दरख्त में से आग निकलती रहती है, पहली दफा भी निकले तो दरख्त तो जल जाना चाहिए, कहीं निशान नहीं, कहीं निशान नहीं जलने का। ओ माय गॉड, हम बड़ा नोट करते हैं जलने के निशानों को, हमें नहीं मिला जलने का निशान कोई, और ये एक टाइम पर तो बाकायदा दरख्त भी नजर आया है आपको, इसके ऊपर आंसर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा आपको दिखाऊं, ये देखा आपने, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, थोड़ा और ब्राइट करके देखता हूं, ये देखें ब्राइट, ये देखें सही, मैं आपको पीछे से दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, हाँ दरख्त की शाख नजर आई, ये दरख्त की शाख नजर आई आपको, तना ये शाख कुछ है जी सर, पहले हम सही से देख नहीं सके, दोबारा जब उस तरफ भागे ना मैं चीखा कि यार ये देखिए
सोहेल भाई को मैंने देखा है जब वो इधर से उधर होते हैं तो कैमरा उसी रखता है। हाँ ठीक है, ये देखा अब दूसरी बार देखिएगा, अब सोहेल भाई का कैमरा उधर है क्योंकि हम पीछे भाग रहे थे, लकड़ियां जो हमें लगी हुई आस पास गिर भी रही थी, शुक्र है इस दरख्त की और इसकी टहनियों शाखों की हम कवर हो गए, हम पीछे भाग रहे थे, ये मुड़े हैं और ये देखो ये हमने एक टाइम पर 4 से 5 रिकॉर्ड किए एक टाइम पर, आग के गोले सही मुख्तलिफ साइजों के बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, फिर जल रहे हैं, फिर बुझ रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे ब्राइट हो रहे हैं, बहुत यूनिक है, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये चीज़ मस्त। उस वक्त वहाँ पे तो लकड़ियों का लकड़ियों से हमला और फिर आग का हमला, या तो जिन्नात के खुद ही बच्चे हैं जो जाहिर हो रहे हैं इधर से उधर, या फिर ये या फिर उन्होंने आपके पीछे आग भी फेंकी है जो यहाँ तो दरख्त की शेड में रुक गई है या नहीं पहुंची। मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है कि हम पर सोहेल भाई कह रहे थे कि अगर हम नहीं पीछे हटते तो शायद गोले आते, आग गोले आते सही आग आती शायद, ये ऐसा लगा जैसे जिन्होंने हमें फेंका ना, ये जब हम दरख्त के पीछे हुए सही तब वो जाहिर हुए हमारे कैमरे में, लकी नहीं रिकॉर्ड हो गए बड़ी ऑड पोजीशन से अंदर, ऐसा लगे जैसे आग की बारिश हो रही हो लेकिन वो बारिश नीचे से हो रही हो, खासकर सेंटर के दरख्त से सही, और यहाँ वहां तो ये सजा जन्नत ये लोग तो होते ही ना दरख्त के तनों में, इन चीजों में तो रहते हैं ना शाखों में, ये तो अपने आप को मुजस्सम बहुत छोटा भी कर लेते हैं बड़ा भी कर लेते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई ना आग को लेके, वो आई गोलों को लेके कि आग की बॉल फुटबॉल नुमा आग देखे हमने यहाँ से वहां मूव होते हुए, हमने भी शुरू में कई ऑब्स रिकॉर्ड किए डिजिटल कैमरे से फ्लैश लाइट के जरिए, कितने ऑब्स रिकॉर्ड किए इसमें तो इतने ऑब्स अगर मैं रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर दूं तो सही सही सही, हमने ना कहीं आग भी जलती हुई देखी लेकिन ऐसा जी पहली बार हमने गोलों को बड़ी ऑड पोजीशन में यहाँ से वहां जाते हुए देखा, मतलब शिराज में आग के गोले कोई कैसे यहाँ वहां होंगे, किस तरह पॉसिबल है जबकि वो खुद जो आग से बने हैं वो खुद ना हो, नोट कीजिएगा ये गोल नहीं है, ये देखें ये गोल नहीं है दादा, मुख्तलिफ पार्टिकल्स है नहीं है जी, और आ रहे हैं और ये बड़ी दूर से रिकॉर्ड किए हमने तो हम इतने नजर आ रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली डाउन हो रहे हैं, ये कम से कम इनका ये साइज होगा कम से कम सही, ये देखिए यार ये जो दरख्त भी ब्राइट हुआ है ना इससे, हाँ ये तो पता नहीं आंखें ही बन गई हैं दो यार सजाद, लकीली जी, और ये दरख्त में गायब दोबारा, शुरू से वो कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह चल रही थी कि भाई उनको नहीं अंदाजा होगा कि ये कौन टीम आ गई है क्या आ गई है, वो तो इसमें भाग जाएंगे कुछ हो जाएंगे उनके, लेकिन आप लोग नहीं जा रहे थे तो फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर यही वाक्यात हमारे साथ बहुत पहले हुए होते ना शायद आज से 10-12 साल पहले, तो गेट में जब वो आवाज़ आई थी ना बच्चे की हम वहीं से आगे ना जाते, वहीं पर ही ना बात कैसे आई कहाँ से आई किसकी आई आ कैसे सकती है, बाहर निकल जाते आसपास पूरे आबादी इलाका कोई बच्चा नहीं मिलता, तो यहीं पर इतना बड़ा प्रूफ शुरू में मिल जाता तो शायद आगे ना बढ़ते, तो आगे बढ़ते 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 अब ये हुआ क्या है कि जब आप जितना रेजिस्ट करते हैं ना जितना आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं, इनकी सामने जाहिर होने की तरीके जो है ना उनमें इजाफा होता जाता है, एक आवाज़ से शुरुआत होती है कुछ चीज़ गिर जाती है कुछ चीज़ हिल जाती है, जानवर अजीब वरीब हरकत कर देते हैं, जानवर वो सबूत दे देते हैं आपको जो नॉर्मल आम जानवर नहीं करते, फिर हमले होते हैं कम नहीं ज़्यादा, फिर ये अपनी फॉर्म में आना शुरू करते हैं, और ख़ुदा ना खास्ता लास्ट वो होता है कि जब ये अपनी असल फॉर्म में आपके सामने आ जाए, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता फिर सही, कई देखे ना 10 साल तक सो नहीं सकोगे, और उसको भी अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं आपको आवाज आ रही आप नहीं देख रहे आपको टच कर लेना आपको सिर्फ पकड़ लेना दिमाग पलट जाते हैं यार, हिस्सियात तो चल रही हैं जिसम के अंदर आप आंखें बंद कर लो सिर्फ टच करने से अगले कांपने शुरू हो जाते हैं, हालत गैर हो जाती है, सोचें क्या क्या हो सकता है।
तो लिमिट जो है ना, हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारी लिमिट बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये भी मैं आपको 12-14 साल बाद ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने लिमिट का अंदाजा है। एक कदम आगे होता है ना तो एक कदम पीछे होता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ होते हैं। सही। दूसरा उठाना या पीछे हटना है, जैसे आप जंगली जानवरों के साथ भी करते हैं उस तरह से। अब जी यहाँ पीछे हटना ही जो है ना वो मुनासिब। और दूसरी बात जो लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि एक अदब का जो तरीका है ना साथ, वो कभी नहीं छोड़ना उसको। हाँ, तमीज की लैंग्वेज यूज करते हो, कभी कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना यार उसको। हम इंसान नहीं बर्दाश्त करते तो वो तो फिर आग से बने हैं भाई। यार सीधी सी बात है कि जो हम अल्फाज अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते, हालांकि हम मिट्टी से बने हैं, हाँ, हम जो अल्फाज खुद नहीं चाहते खुद सुने तो हम दूसरे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी जगह पे हो। ओए होए 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 होए, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि मैं शुरू से ही आऊं, हर 5 मिनट बाद मेरे साथ कुछ हुआ है वहां पे। 5 मिनट भी ज्यादा कह दिया आपको, शायद हर 2 मिनट बाद कुछ हुआ, हर 2 मिनट बाद, 2 मिनट भी शायद ज्यादा कह दिया। अच्छा वो मैं घर आ गया था काम करने के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। और जी और जी सर, लगता है सारी गड्डियां झाड़ियां किधर आ गई, ये देखो कितनी आ गई सुन भाई, अल्लाह ये गिनती देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ हमारे साथ, अल्लाह ये देखा है सर आपने? जी सर, ये तो इनफ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और जी सर, ये सारी गड्डियां झाड़ियां किधर आ गई, ये देखो कितनी आ गई सुन भाई, अल्लाह ये गिनती देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ हमारे साथ, अल्लाह ये देखा है सर आपने? जी सर, ये तो इनफ है, ये तो इनफ है भाई, ये उसी उन्हीं लकड़ियों में से आके लगी है। सर एंगल देख रहे हैं आप? हाँ ऊपर से। ये डंडियां देख रहे हैं? हाँ। ये भर गई थी जगह डंडियों से। तो ज्यादा इस कितनी वेलोसिटी से होगी जो ये इसमें पेवस्त हो गई है? हमें लग रहा है हम तीन थे तो ये तीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे से लगता है इस दरख्त के हम ऊपर जाते हैं ना, अच्छा हमें कई मिलती उसी की। अच्छा कई मिलती। सोहेल भाई अल्लाह ये गिनती देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ है हमारे साथ, अल्लाह ये पहले से तो नहीं लगी हुई थी इसके अंदर। चल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, जब हम शुरू में आए इस जगह को जो चेक कर रहे थे रिकॉर्डिंग में कहाँ पर क्या है, ये देखिए ये रहा वो दरख्त। अच्छा ये रहा वो, ये नहीं है, उसी हमले में ही पेवस्त हुई है ये, तो फिर आप लोगों को मारी है इन्होंने, देख रहे हैं आप? हाँ ये रहा वो दरख्त और ये रहा वो रेस्ट हाउस, जब हमने बच्चे की आवाज सुनी ये तब की फुटेज है जब हम यहाँ से वहां अपनी पूरी चीजें लेके क्या है क्या है कहाँ। बाद में चीजें भी मिस हो जाती हैं, तो ये जो चीज है ना जी यार ये बहुत खौफनाक है जान, बहुत खौफनाक है यार ये अगर तुम लोगों के साथ उन्होंने किया है तो समझो तो मतलब जान से मारने के लिए कोशिश की है। बस समझ ले, मैं यहाँ था, चुरपे इधर थे, कामा इधर थे, और जैसे ही हमने पत्थर मारा है ना, अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ ये लोग पहले पीछे हटना शुरू हो गए थे, सुरभ नई नई की आवाजें मार रहे थे ना, क्योंकि हमने इतने लोगों से सुन लिया था, हमने तो ये सोचा था हम ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस, हमने तो जाते ही जहन बनाया था कि नहीं ये हमने नहीं करना, चीज पता है तो क्यों करनी। लेकिन जब वहां पर इस कदर कि आपको जवाब मिल रहे हैं तस्बीह
मामले, जानवर, आवाजें, तो यार ये पत्थर कैसे आ सकते हैं? भाई कई जगह है जहां पर ये मखलूकात पत्थर फेंकती हैं, लेकिन वो दरख्तों से नहीं फेंकती, वो उन जगहों से फेंकती, इमारतों से फेंकती है, वहां पत्थर होते हैं, पुरानी इमारतों में जगहों पे वहां पत्थर मौजूद होते हैं जो पत्थर फेंकेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट में जाके पत्थर तो या क्या क्या चीज उठा के ला सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नजर तो आए ना। हाँ, उस जगह बिखरे हुए नहीं है, अगर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाए भी जा रहे हैं, गए ना, आए गए यहाँ पर, डंडियां डंडियां क्यों बिखरी हुई है, पत्थर क्यों नहीं बिखरे, क्योंकि कहीं आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे समुद्री पत्थरों की अजीब, जहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं ना वहाँ दीवारों पर निशान भी होते हैं पत्थरों के। मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया, ये देखिएगा आप, ये सर रेस्ट हाउस, प्लेन, कोई निशान नहीं है पत्थर का। हाँ, सही है, मैंने देखा, प्लेन पुराना हुआ है, दरवाजे भी सलामत हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे दीवार में कुछ सुराख ऐसा नहीं है, नहीं है, जो कि पत्थरों से होता, उसमें भी नहीं है, दरवाजों में भी कोई सुराख नहीं है, दरवाजे काफी पुराने दौर के बने हुए, जी 60-70s के दौर के बने हुए, तो हाँ मतलब निशान मिलते हैं, पत्थर बिखरे हुए होते हैं अगर इतने पत्थर मारे जाते हैं। तो इन चीजों का जो आपको एक जवाब मिला ना, वो ये मिला कि सर पत्थर नहीं, यहाँ लकड़ियां मारी जाती हैं। खौफनाक, असल में जिसको लगती नहीं वो तो फौरन ही भागता है। सर हम भाग गए हैं। हाँ, लेकिन आप लोग रिटर्न, आपको भी पता नहीं चला है, आप तो बाद में, हम तो भाग गए, हमने तो देखा ही नहीं था उसको, हम तो इधर आए नहीं भाई, हम तो छुप गए थे पीछे दरख्त से, सही, हमने तो वहां पर जो है ना कि अब ठीक है ये पत्थरी लकड़ियां आती हैं, जवाब मिल गया आपको, अब आप बता सकते हैं कि कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, और मेरी जबान से वहां एक से दो बार निकला कि यार हुआ क्या है यहाँ। तो इस तस्बीह ने, इस दरख्त ने, उन दो बुजुर्गों ने, समझ लें जो कहते हैं ना लेट बुजुर्ग, जिनका विसाल हो गया, निकाल हो गया, मगर जो दो बुजुर्ग, इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ पर बहुत ही टफ कोशिश की गई है, एक नहीं एक से ज़ायद बार तस्बीह को तोड़ के दानों को बेड पे रखना, हमारा उस तस्बीह के दाने को हाथ लगाते ही पूरी जगह का हिल जाना, लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते का इस तरह का बर्ताव हमारे साथ करना, और हमारा इस कदर बच जाना, क्यों मैं बार बार उनसे ये कह रहा था कि मैं सिर्फ ये कोशिश करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना नहीं है। फिर भी हमला किया, लेकिन ऐसा हमला नहीं हुआ हम पर, खुदा ना खास्ता। तो जादी आप लोगों पर तो ये तो लोगों की दुआएं हैं, कोई चीज है जो ढाल है, अल्लाह ने बचाई, तो अगर आप लोगों को लगती तो क्या हाल होता यार। ये वो होता है कि अगर इसके बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करते ना, इसके बाद आप एक बार फिर कोशिश करते ना, तो या तो फिर वो खुद सामने आते, या वो आग सामने आती, या तो ये लकड़ियां जो है ना वो कहीं दरख्त की बजाय आप में होती, मेरे ख्याल से। हो सकता है भाई, मुझे अभी भी शक है कि आप लोगों पे इन्होंने इतना बारीक हमला किया है। लेकिन बताओ, जब ये आई ना लकड़ियां, मतलब जब ये पोजीशन हुई होगी, हम तीनों इसके पीछे नहीं थे, हम रेंज में थे उनकी, हमें लगी भी यहां आके, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लगी भी है निशान तक उनके, लकड़ी के निशान कपड़ों पे चल रहे, थोड़े से कपड़े फट से भी गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट टाइम औरों को भी पत्थर पड़े, सर पे पड़े, कमर पे पड़े, उन्हीं से आपने बात की, फर्स्ट टाइम आपको भी पड़े, अब इसके बावजूद अगर आप दोबारा ये कोशिश करते उसी वक्त, तब मुनासिब नहीं था। एक बार तस्बीह के दाने को उठा के मैंने ये देख लिया, मैं दोबारा तस्बीह के दाने को नहीं उठाना था, मैंने तो कभी नहीं उठाना, मैंने नहीं उठाना किसी भी ऐसी जगह पे जाके किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर हम तो उस पॉजिटिव नहीं है, नहीं तस्बीह के दाने पे, हाँ वो बारह चीजें होती है जमीन पे, आप टोपी देखेंगे जमीन पे, आप नाम ऐसा देखेंगे, अखबार देखेंगे, आप उठा लेंगे, सही, उस नीयत से उठाया था, कोई मैंने अमल को चेक करने के लिए नहीं उठाया था, कि तस्बीह पे तो रब का नाम पढ़ा जाता है या कोई पॉजिटिव काम होता है तो उसको उठा के ऊपर, अच्छा नहीं लग रहा था नीचे, मैंने उसने ऐसे उठाया था। तो अर्ज ये है कि आपको अपनी लिमिट जो है ना वो कभी नहीं भूलनी, अभी हम, बल्कि हम क्या, अल्लाह पाक महफूज ही रखें इस मखलूक को,
उसकी अपनी फॉर्म में देखने में से सही। हमने बड़ी दूर से एक झलक देखी है और चीजें गिर गई हैं हाथों से, आवाज बंद हो गई, कई बार ऐसा। फिर जब हमारे सामने ऐसे वाक्यात आ गए हैं कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे, अब हमने क्या क्या जान लिया यहाँ पर, बहुत सी बातें जो आज से पहले नहीं हुई थी। मैंने 3 से 4 वाक्यात पर आपसे बात कही है कि ये पहली बार हुआ हमारे साथ, ये पहली बार हुआ हमारे साथ, ये पहली बार हुआ यार। अभी तो बहुत सी आवाजें आपने छोड़ दी जो ऐसी हिली हैं, ऐसा लगा कि पत्नी कितने जनरेटर, कितने क्या कहते हैं मशीन चली हैं। दरवाजों का खुद खुल जाना, दीमक का इस तरह से लग जाना, ऐसी कई निशानियों पे मैंने बात नहीं की है क्योंकि वो SSD में आप देख चुके हैं पहले। ये वो तमाम गुफ्तगू थी, ये वो तमाम बातें थी जी, जो जो आपके सवालात भी थे इस पर, आपके मैसेजेस भी थे, जिसका अब आप खुद जवाब देते हैं कि यार मान गए भाई कि ये काम करवाए जा रहे हैं। सही सही। ऐसी लोकेशंस का मिलना कहाँ थी आज से 12-14 साल पहले, ऐसी लोकेशंस कराची में सही कहाँ थी, मौजूद तो थी लेकिन पहुंच में आपके, आपके हमारी पहुंच में कहाँ छुपी हुई थी, कैसे आ रही है आपके पास। ये जो दुनिया सवाल पूछती है आपसे कि ऐसी लोकेशंस आ कैसे जाती है आपके पास, ये क्या इधर ही है, ये होती कहाँ है। जजीरा देख के कभी मैंने आपको तसव्वुर किया था कि कोई ऐसी जगह भी होगी? नहीं भाई, एज पे हमारा इंतजार कर रहे हैं बस। वो जजीरा बिल्कुल एज पे है, यूं किया बस अभी किया। ये हवेली, तहखाने 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 के पीछे हम चिन्योट चले गए, सिर्फ तहखाने के पीछे चिन्योट चले गए। और यहाँ देखिए तहखाने पे तो मुझे अभी आधे घंटे पहले साहब मिले, नदीम साहब, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। वो कहते तहखाने की वो इतनी बातें कर रहे थे, कहते आपको ऐसी लोकेशन कैसे मिली और कैसे हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। मैं आया हूँ तो ये मुझे कुछ देर देखते रहे हैं और हाल अहवाल और हैरान भी हुए हैं कि भाई अभी मैंने जरा सब तफसील से देखा है, गौर से देखा है, तो ये सब क्या कैसे किस तरह। तो मैं ये अर्ज कर दूँ, ये करने वाले काम हैं जी, बस करवाए जा रहे हैं, हमारी बस ये कोशिश होती है देखी जाएगी और कहाँ पीछे हट जाना, अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना। ना खुदा ना खास्ता में इस मखलूक को कैद करने जाते हैं, ना पकड़ने जाते हैं, ना हम शिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कोई काम लेना है इसे। हम सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं जानने के लिए, और बड़ा कुछ हमने जाना, रिकॉर्ड किया, आपसे शेयर किया, जो ना कहीं पढ़ा, ना देखा, ना सुना, जो खुद एज्यूम किया, खुद पता चला। और माशाल्लाह से ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप ये बात कहते हैं कि जी हमने बहुत कुछ समझा सीखा जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, हम भूल गए थे, हम बातों को ईजी लेते थे, तो उन बातों को रिकॉल किया हमने, और ये आपकी मोहब्बत है जी, और ये सब करवाया जा रहा है। मजीद कोशिश यही है कि जान सकें, चाहे कहीं जाना पड़े, कब जाना पड़े, तो ये आपके सामने है जी, ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही इंशाअल्लाह, मुलाकात, अस्सलाम।